राजधानी देहरादून में मौसम विभाग ने कई जगह आंधी चलने और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और यूएस नगर देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक इन जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में बिपरजॉय तूफान के असर के चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। 19 से 22 जून तक मौसम खराब रह सकता है। जैसे 18-19 से बोला था कि थोड़ा एक्टिविटी बढ़नी शुरू होगी, तो 18 में अगर देखें तो पहाड़ों में तो या खास कर देखें कुमाऊँ रीजन में तो इसका टाइप एक्टिविटी हुई है और एक दो जगह अच्छी भी रेन मिली है, जिसको कि आप कहेंगे कि इंटेंस शावर टाइप का जो है। लेकिन हाँ, ये कि जितना एक्सपेक्ट करें कि मैनी प्लेसेस तक हो जाएगा और प्लेन्स में भी कुछ मिलेगी एक्टिविटी, हालांकि प्लेन्स में मिली है, हरिद्वार में मिली है, एक सेंटीमीटर के आसपास की इस तरह की रेन मिली एक दो जगहों में, पर जैसे देहरादून देख रहे हो आप या वह है तो उसमें ज़्यादा कुछ एक्टिविटी मिली नहीं। लेकिन आज अगर देख रहे हैं तो स्कैटर्ड एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा तो आज भी नहीं वो दिख रहा है जो है। तो पहाड़ों में आप कह सकते हैं आज 19 को स्कैटर्ड लाइट से मॉडरेट जो एक्टिविटी वो रहेगी। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तक बात है तो उसमें मैं कहूँगा कि आइसोलेटेड एक्टिविटी का दो का जगह में मैदानी क्षेत्रों में भी मिलेगी, जो हमारे हरिद्वार है या फिर उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है। देहरादून या इसको आप बात करते हैं तो ये तो आपके हिल्स में ही आ जाते हैं, नैनीताल वगैरह जो भी है। तो इसके अलावा फिर अब आगे भी आप जाते हैं तो 20 को में भी बहुत परिवर्तन नहीं है, 21 तक भी बहुत परिवर्तन नहीं है, लेकिन 22 से जो है जो देखेंगे आप जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली